कि जो आए दिन लव जिहाद के मामले हो रहे हैं, इस पर सरकार कोई ना कोई सख्त कानून लव जिहाद के लिए केंद्र सरकार बनाए कि हिंदू संगठित होकर इसका विरोध दर्ज नहीं करेगा जब तक के सरकारों के आंख और कान जब तक के नहीं खुले होंगे। समस्या पर है कि है कौन हिंदू, आप उसके बारे में बताइए। नमस्कार, मेरा नाम हेमंत और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। खबर अच्छी नहीं है जो स्थितियां देश में पैदा हो रही हैं बेटियों पर हो रहे अत्याचार को लेकर, और इसी विषय में जो बल्लभगढ़ में हुआ, हरियाणा बल्लभगढ़ में हुआ, एक बेटी के साथ एक युवक ने दिन दहाड़े गोली से हत्या कर दी गई, उसी विरोध में बजरंग दल के कार्यकर्ता यहाँ पर बैठे हुए हैं भूख हड़ताल पर। हमारे साथ है विशाल गोस्वामी जी, इनकी क्या मांगे हैं सर, इनसे हम बातचीत करेंगे सर। लेकिन विषय अच्छा नहीं है, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए और इसके बारे में बातचीत भी नहीं होनी चाहिए। सर, दुखद विषय जिसके बारे में आप बैठे हैं सर जी, क्या कहना चाहेंगे आप? मेरी सरकार से इतनी मांग है कि जो आए दिन लव जिहाद के मामले हो रहे हैं, इस पर सरकार कोई ना कोई सख्त कानून लव जिहाद के लिए केंद्र सरकार बनाए। आए दिन हमारी बहन बेटियां कभी कोई सूट केस में अगर वो मना कर देती है तो गोली मार दी जाती है, तो इसके लिए केंद्र सरकार कड़ा से कड़ा कदम उठाए, वरना ये अभी एक दिन की हड़ताल है, हम पूरे देश में इस हड़ताल को अनिश्चितकालीन तक रखेंगे अगर केंद्र सरकार इस पर कानून नहीं बनाती है और इनके हत्यारों को जल्द से जल्द फांसी की सजा सुनाई जाए। अच्छा विशाल जी, हमें ये बताइए लव जिहाद है क्या एक्चुअल में, क्या मतलब निकालें इसका? लव जिहाद ये हिंदू लड़कियों को धर्म अलग बता के, नाम अलग बता के पहले फंसाया जाता है, बाद में उनसे शादी की जाती है, उन्हें बच्चे बनाने की मशीन बनाई जाती है, और बाद में इनके धर्म का पता चलता है तो बाद में उन्हें मार दी जाती है जब वो विरोध करती है। ये लव जिहाद है कि अपना धर्म छुपाकर शादी करना धोखे से। सर, इतने साल से हम आज़ादी के 70 साल में, आज है 21वीं सदी में है, जहाँ हम अपने आप को मॉडरेट होने का दावा करते हैं, सुपर पावर होने का दावा करता है भारत, लेकिन आज भी समाज में बेटियों के ऊपर ये अत्याचार, बेटियों के साथ ये समस्या अभी भी चली आ रही है। क्या दिक्कत है ऐसी देश में, जो सरकारें आती गई हैं जाती गई हैं तब भी कानून नहीं बन पा रहे, चाहे वो भाजपा की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, किसी अन्य दलों की सरकार हो, लेकिन क्या दिक्कत आप मानते हैं कि क्या दिक्कत है? इसमें सबसे बड़ी दिक्कत है हिंदू संगठित होने की। जब तक के हिंदू संगठित होकर इसका विरोध दर्ज नहीं करेगा जब तक के सरकारों के आँख और कान जब तक के नहीं खुले होंगे। हिंदू को संगठित होकर एक आवाज़ में एक मांग उठानी पड़ेगी, जब ये कानून सरकार लाएगी, और जो कानून लाएगा वोट उसे ही करे जो हिंदुओं के लिए सच्चे का। भाजपा सरकार हिंदुओं की सरकार बताई जाती है, लेकिन आए दिन इसी सरकार में रोज के रोज नए नए केस, कभी कोई सूट केस में, कभी किसी को गोली मार कर हत्या हो जाती है, कभी राहुल मर्डर केस आपने सुना ही होगा, और कल ही अभी दिल्ली आदर्श नगर में चाकू से गोद कर मार दिया। तो हिंदू कहाँ सुरक्षित है? हिंदू सुरक्षित ही नहीं है। तो हमारी मांग यही है कि लव जिहाद पे के लिए कानून बनाया जाए और हिंदुओं को एक आवाज़ में खड़े होकर आवाज़ उठानी पड़ेगी। जब सर, जैसे आप कह रहे हैं हिंदू, एक सुप्रीम कोर्ट का वो था स्टेटमेंट, हिंदू इज अ वे ऑफ लाइफ, तो हिंदू एक्चुअल में है कौन? क्योंकि जातियाँ तो बहुत सारी हैं, हिंदू है कौन ये इसके बारे में बताइए कि हिंदू है कौन, क्योंकि चुनाव आती बहुत सारे लोग हिंदुओं को ढूंढते हैं, दलितों को ढूंढते हैं, और भी अन्य जातियों को ढूंढते हैं, OBC ढूंढते हैं, SC ढूंढते हैं, ST ढूंढते हैं, फिर जनरल ढूंढते हैं, तो एक्चुअल में हिंदू है कौन? समस्या पर है कि है कौन हिंदू, आप उसके बारे में बताइए। हिंदू एक अपने में सनातन संस्कृति का है, हमारा जो हमें कहीं से भी हमारा धर्म नहीं चला है, ये हमारा पहले से सिद्धांतिक धर्म है। तो हिंदू की कोई भी पहचान अगर मैं आपको वैसे व्याख्या करूं कि हमारा धर्म जब से शुरू हुआ है तो कोई नहीं है, सनातन आदि कालों से हमारा धर्म चला आ रहा है, इसका कोई भी संस्थापक नहीं है, ये सनातन आदि काल से चला आ रहा है। तो हिंदू खुद में ही एक धर्म है, एक शक्ति है। तो अभी सर जैसे भारत में ये दिक्कतें आ रही हैं, तो और संगठन जैसे अभी हाथरस में जो घटना हुई बेटी के साथ ही, वो दर्दनाक रहा, उसके बाद भी बहुत सारी 6 साल की बच्ची के साथ जो बर्बरता की गई होशियारपुर में, जो पंजाब का हिस्सा है, कांग्रेस की वहाँ सरकार है, ऐसी तमाम घटनाएं आ रही हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के साथ हो, किसी विशेष के साथ हो, लेकिन बेटियों पर अत्याचार के देश की बेटी के नाम नहीं होना चाहिए, वो चाहे वो किसी भी धर्म से आती हो, देश की बेटी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, हम उसके साथ हैं, जो भी गलत हो रहा है हम सबके गलत के खिलाफ है, चाहे वो किसी की बेटी हो, लेकिन फिलहाल तो हमें तो सारे केस हिंदू की बेटियों के साथ ही दिखाई दे रहे हैं। अभी फिलहाल तो कोई भी अलग धर्म में जा ही नहीं रहा है, जब भी देखो रोज खबर आती है, आज सूट केस में मिली, आज लव जिहाद में वहाँ ये हो गया, अब ये गोली मार दी, तो या तो आप इस्लाम कबूल करो, रखेल बनो, या फिर आपको गोली मार दी जाएगी, तो यही है। फिर मेरा आखिरी सवाल सर, बजरंग दल की कार्रवाई कब तक, कब तक? क्योंकि हम आए दिन देखते हैं मोमबत्ती निकलती है, मोमबत्ती यात्रा निकाल देते हैं लोग, MLA आते हैं, MP आते हैं, तमाम वो नेता आते हैं जो महत्वाकांक्षा रखते हैं चुनाव लड़ने की, उन नेताओं को सबक कब तक कि जब आप संसद में हम भेजते हैं या विधानसभाओं में हम भेजते हैं तो कड़ा कानून क्यों नहीं बनता, महिलाओं की सुरक्षा पे बात क्यों नहीं होती, उनसे क्या कहना चाहेंगे? बजरंग दल कब तक मैदान में?
मोमबत्ती जलाने पर मैं विश्वास नहीं करता हूँ। विरोध करो, हिंदुओं को खड़ा होना पड़ेगा। जब तक के कोई भी कानून नहीं बनेगा, जब तक के हिंदू एक नहीं होगा। और रही बात राजनीति की, तो राजनीति इस चीज़ से परे रख के सभी लोग एक होकर, ना तो जाति हो ना राजनीति हो, सिर्फ धर्म के सम्मान में। और रही बात बजरंग दल के खड़े होने की, तो बजरंग दल का अभी ये एक दिन का है, एक दिन के लिए, लेकिन अगर इस पर कोई कार्रवाई या सरकार ठोस कदम नहीं उठाती है तो ये हड़ताल अनिश्चितकालीन तक के पूरे देश में चलाई जाएगी। मेरा एक छोटा सवाल सर, लास्ट सवाल, आखिरी सवाल, जो वो बर्बरता हुई बल्लभगढ़ में, सारे साक्ष्य हैं, सारे सबूत हैं वहाँ पर, CCTV में साफ दिखाई दे रहा है कि हत्यारा वही है, इसमें कार्रवाई कैसी? सबूत तो साफ दिखाई दे रहे हैं कि वहीं पर मारा गया, तो कार्रवाई कैसी? सरकारें क्यों नहीं ले पा रही हैं स्टेप? इस पर मेरा सवाल है आपसे। सरकार का वोट बैंक है, सारी राजनीति है वोट बैंक की। जब आपके पास सबूत है, गवाह है, CCTV फुटेज है, हथियार आपका बरामद हुआ है, हत्यारे ने वो भी कबूल कर ली, तो फिर केस कहेगा? उसे पहली तारीख में फांसी की सजा सुनाई जाए, यही बजरंग दल की मांग है। कौन कर रहा है सर राजनीति? बीजेपी की सरकार वहाँ पे है, बीजेपी की सरकार केंद्र में, राजनीति कौन कर रहा है फिर? ये नेताओं से कनेक्शन है, इसलिए सारी सत्ता में बीजेपी है। सत्ता में बीजेपी भले ही है, लेकिन सब एक दूसरे की वो रखते ही रखते हैं, इसलिए राजनीति उनकी बड़ी पहुंच के कारण इस पर कार्रवाई नहीं हो पा रही। बड़ी पहुंच कैसे सर? सत्ता में बीजेपी है, केंद्र में बीजेपी, राज्य में बीजेपी, तो किसकी और पहुंच कैसे? उनसे मांगे क्यों नहीं है आपकी बीजेपी से? बीजेपी से ही हमारी मांगे कि लव जिहाद पे कड़ा कानून बनाया जाए, उन्हें हत्यारों को जल्द से जल्द फांसी की सजा सुनाई जाए। कार्रवाई की मांग क्यों नहीं सर? कि बीजेपी सत्ता में है, वहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, केंद्र में भी है, सब जगह है, तो अभी तक क्या ऐसी दिक्कत आ रही कि अभी तक सजा नहीं हो पा रही है या उस पर स्टेप नहीं लिया जा रहा है? यही दिक्कत हम भी जानना चाहते हैं, इसलिए आज की भूख हड़ताल पे है कि इन हत्यारों को फांसी की सजा क्यों नहीं दी जा रही, जब सारे सबूत है। मेरा ये सवाल सभी से है, चाहे बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस से, जब सब सबूत है तो इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही अभी तक के? फिर इन पर केस चलाने की खानापूर्ति क्यों हो रही है जब हर चीज़ सामने है? तो बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए, लेकिन बड़ा चिंता का विषय है, जो भी इस वीडियो को देखेगा भारत में या रुड़की शहर में, जहाँ भी ये वीडियो देखे, वो चिंता का विषय सोचना चाहिए समाज में रहने वाले हर एक उस व्यक्ति को, हर एक उस राजनेता को, चाहे वो किसी भी पदों पर हो या किसी भी जगह पर हो। महिलाओं को भी सोचना चाहिए इस बारे में, और पुरुषों को भी, कि किस तरीके से हम अपने समाज को बेहतर बना सकते हैं, अपने जो संस्कार है, जो संस्कृति की इन्होंने बात कही, वो संस्कृति बच्चों तक कैसे पहुँचाया जाए, सोचना चाहिए इस बारे में। और अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन शिवम के साथ द न्यूज़ ऑन नेटवर्क, शुक्रिया।